जय माता की। अरे मैं बोलो जय माता की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। आज हम लोग चल रहे हैं शाहजहांपुर से टनकपुर के लिए। हम लोग चल रहे हैं पूर्णागिरी। हम लोग जिस ट्रेन से चल रहे हैं उसका नाम है त्रिवेणी एक्सप्रेस, जो सीधा यहां से शाहजहांपुर से बरेली होते हुए सीधा जाएगी टनकपुर। हमारे ही सामने पीछे खड़ी है वो ट्रेन जो कि जाएगी पीलीभीत तक। पीलीभीत से आपको दूसरी ट्रेन करनी पड़ेगी टनकपुर के लिए, जो कि यही त्रिवेणी मिलेगी। त्रिवेणी को ही आप लोग पीलीभीत से पढ़ोगे तब वो आपको टनकपुर तक छोड़ेगी। त्रिवेणी एक्सप्रेस की यहाँ से शाहजहांपुर से टनकपुर तक की टिकट की बात कर ले तो यहाँ से एक लोग का है 75 रुपये टिकट। तो ये रहा हमारा टिकट 75 रुपये का टनकपुर तक की शाहजहांपुर से। गाइस, हम लोग का अचानक से प्लान बना तो हम लोग चल रहे हैं। अचानक से मेरी सुबह सुबह तबीयत भी खराब हो गई। बने रहना व्लॉग में, ट्रेन आने तक का वेट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं ट्रेन में। तो गाइस, हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है। गाइस, हमारी ट्रेन निकल चुकी है शाहजहांपुर से। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो तभी हम लोग छत पे बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है। बरेली में समोसे लिए, 10 का 1 समोसा ही है, खा लो, हम तो खाएंगे नहीं। खाओ। बरेली से ट्रेन निकल चुकी है हमारी। अभी हम लोग टनकपुर के थोड़ा सा पीछे हैं, टनकपुर आने ही वाला है। तो गाइस, ये है व्यू कुछ टनकपुर के आगे का। वो बीच में पुल कितना अच्छा लग रहा। तो गाइस, बरेली के बाद हम लोग पहुंचे पीलीभीत। पीलीभीत के बाद हम लोग पहुंचे हैं टनकपुर। टनकपुर के आगे ये जंगल दिखने लगे। अब आपको दिखाते हैं पहाड़। गाइस, सामने पहाड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के। तो गाइस, हम लोग निकले थे 11 बजे और अभी बज रहा है हमको 4:30 और हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। और हालत हो गई है खराब, पूरी गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज्यादा भीड़ थी, अभी पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। तो चलो चलते हैं, आपको फुल ब्लॉग देते हैं माता रानी के दर्शन कराते हैं। गाड़ी खाली हो चुकी है और हम लोग भी उतरने जा रहे हैं। सारा मेला जा रहा है माता रानी दर्शन करने के लिए, देखो इतनी भीड़ है। जैसे आप लोग स्टेशन से उतरोगे यहाँ पे आपको ऑटो मिलने शुरू हो जाएंगे, कर लेना जहाँ के लिए करना हो। गाइस, हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है जो कि 10-10 रुपए लेंगे वहाँ तक की। हमें उन्हें पता कहाँ छोड़ेंगे, चल के दिखाएंगे आपको। वहाँ से हम लोग को जीप करनी होगी या बस करनी होगी तब हम लोग ऊपर चलेंगे पहले खोले तक। गाइस, इधर से ला रहे हैं ऑटो वालों ने यहाँ पे छोड़ दिया हमें। यहाँ पे देखो ये जीप मिल जाएंगी यहाँ पे, और जो कि ये 40 रुपए लेंगी पहले खोले तक, वो बस मिल जाएगी जो कि 35 रुपए लेगी पहले खोले तक। तो हम लोग जा रहे हैं बस में क्योंकि जीप में सब गुचुड़ गुचुड़ करके भरेंगे। हम लोग को बस मिल गई है जो कि चल भी दी है, भर भी गई है। बस में बैठ चुके हैं, अब पूर्णागिरी के लिए। गाइस, ये है पहला खोला, यहाँ पे हम लोग को उतार दिया है बस से। ये सब उतरे हैं, अब ये लोग इधर से आधे पैदल जाएंगे, आधे यहाँ से वो करेंगे। जाते तो हम पैदल ही यार सब लोग, लेकिन मेरी जो है तबीयत नहीं सही है। अचानक से प्लान बना तो आ गए। और स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। अभी हम लोग हैं पूर्णागिरी में, तो हम लोग कर रहे हैं चल के दूसरी जीप और आपको आगे बताते हैं, ब्लॉग में बने रहना। ये है माता रानी का मंदिर, वो सबसे ऊपर वाली चोटी पे यहाँ पे। तो हम लोग को इतना ऊपर चलना है और कहाँ चलना। गाइस, दुकान दिख रही होगी आपको छोटी छोटी। गाइस, हम लोग पहले खोले के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। बोलो जय माता की। गाइस, हम लोग चल रहे हैं अंदर, वहां से मिलेगी जीप। गाइस, अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं। इधर से घूम के वो जा रही गाड़ी सामने, घूमते वहाँ पे जाना है बिल्कुल ऊंचे पे। अभी ले रहे, रुको। वाह।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. लोग आ गए हैं दूसरे खोले तक के, जीप आपको छोड़ देगी आगे दूसरे खोले तक भी, और एक सवारी के 30 रुपए लेगी, और यहाँ से आपको अब करनी है पैदल यात्रा। ये देखो पार्किंग स्थल, टैक्सी स्टैंड, भैरव मंदिर, पूर्णागिरी, यहाँ पे आपको उतार देंगे। इधर पार्किंग वाला एरिया बना है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, भैरव बाबा का मंदिर पड़ेगा पहले। हमें चप्पलें भी टूट गई हैं गाइस, सबके जूते चप्पल इसमें भरे हैं, सब नंगे पैर। चलो चलते हैं। हाँ मम्मी, भैरव बाबा का मंदिर पड़ेगा जिंदा। तो गाइस इसमें वो लगाई नहीं है घंटी। तो गाइस जब नीचे उतरोगे आप लोग तो यहाँ पे भैरव मंदिर पड़ेगा। ये है गाइस भैरव बाबा मंदिर के पड़ोस में ही बिल्कुल रुकने के लिए धर्मशाला है, हम लोग वहीं पर रुक गए हैं, और यहीं से हम लोग नहाएंगे और यहाँ पर फिर प्रसाद लेंगे, फिर हम लोग ऊपर की चढ़ाई करेंगे रात में, तो आप लोग को कुछ दिखा नहीं पाएंगे। वो रहा सामने भैरव बाबा का मंदिर गाइस, यहाँ सब फैले हैं। हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी बज रहा है रात के 7:30, अब हम लोग चढ़ाई करेंगे, देखो कितने बजे तक दर्शन मिलते हैं हम लोगों को। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, बार बार दर्शन हो रहे हैं इसलिए वीकनेस हो गई है। कल से खाया नहीं है कुछ भी नहीं खाया कल से, और चढ़ते जाएंगे अब, देखो हम चढ़ पाते हैं या नहीं। कुछ भी नहीं खाया गाइस, खाली स्प्राइट पिया अभी, अब चढ़ेंगे। लूज मोशन हुए जा रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं यहाँ से सीढ़ियों पे जो है स्टार्टिंग होती है। चलो आपको दिखाते हैं पूर्णागिरी मंदिर प्रवेश द्वार। तो चलो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, पैर छूते हैं, चलते हैं। हो भगवान माता रानी बुला लेना। जय माता की, जय माता की, जय माता दी। रात हो गई है गाइस, चलो माता श्री पूर्णागिरी मंदिर मार्ग प्रवेश द्वार, चलो चलते हैं गाइस। इधर से पैदल वाला रास्ता है, इधर से सीढ़ी वाला, चलो चलते हैं। अब चरण पादुका प्रवेश द्वार, सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं, अब चलो। जय माता की। गाइस यहीं पे माता जी अंदर वीडियो बनाने नहीं देंगे इसलिए यहीं से दिखा दो, चलो चलते दर्शन करके मिलते हैं आपसे। गाइस हालत खस्ता हो गई है चढ़ते चढ़ते, अब जाके माता रानी मिली है, अभी उतरने में हालत खराब हो जाएगी उतरने में। यहाँ पे चुन्नी कितनी सारी बनी है देखो, जो जिनकी मनोकामना पूरी होगी वो लोग। आप लोग भी दर्शन कर लो, मैंने तो कर लिए हैं, और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मना कर देते इसलिए आपको दिखा नहीं पाए हैं माता रानी। हम लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं, वो वहाँ से दूर से घूमते 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 जो घूमते घूमते आ गए हैं यहाँ। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, आज जाके अच्छे से दर्शन मिले हैं माता रानी के, 2 मिनट के वाले मिले हो, और माता रानी हमें बुला लिया ऊपर बिना खाए पिए। तो गाइस अब आपको मिलते हैं नीचे, अभी हमें सीढ़ियाँ उतरनी है, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं हम, कल नहीं खाया भी या नहीं है, देखो कितनी सारी चीजें करनी है। हम लोग दर्शन करके नीचे उतर आए हैं, मतलब पूरे 9:30 बजे उतर आए हम लोग, यहीं से मेन एंट्री है सीढ़ियों की। माता रानी अगले बरस तुम जल्दी बुलाना, जल्दी बुलाना। जय माता की, जय माता की। ओ ओ जय माता की। 10:30 बजे पहले प्रसाद लेके आ गए लोग, रात के 11 बजे 12 बजे का, हाँ 12 बजे वो पीछे कार खड़ी है उससे आए हैं। रात में गाड़ियां नहीं चलती नीचे के लिए, पर वो कार थी उससे हम लोग आए हैं, तो 50 रुपए टिकट पड़ा है,
पचपन पूरी बना यहाँ से इधर की सत्तर बड़ा सत्तर बड़ा सत्तर भाई सत्तर रुपए टिकट पड़ा है इधर की बना। अब हम लोग दूसरे खोले पे जा रहे हैं पैदल वहाँ से करेंगे जाके हम लोग चेहरा दिया करो कहाँ प्लीज अच्छा होगा। आप लोग 10:30 बजे के बाद ना आए क्योंकि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। आप लोग बुक करके आओगे तो 50 रुपए की नहीं 70 रुपए किराया पड़ेगा ठीक है। फिर हम लोग थोड़ी दूर पैदल चल गए, यहाँ पे रन बसेरा था वहाँ पे हम लोग बैठे। फिर बैठे बैठे सुबह हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी, हम लोग के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने ये दुपट्टा ओढ़ के काम चलाया गया, यहाँ पे हम ही लोग नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे। जो लोग दर्शन करके नीचे आ जाते वो रन बसेरा में ही बैठे रहते हैं सुबह होने तक, क्योंकि उधर से ज्यादा रात में जीप नहीं मिलती है। फिर सुबह हुई, फिर हम लोगों ने जीप करी है और यहाँ पहले खोले से हम लोग जा रहे हैं टनकपुर स्टेशन। किराया वही सेम है, 1 लोगों पे 40 रुपए। टनकपुर स्टेशन पे हम लोग 5:30 बजे पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने किया मिनी मेट्रो जो कि 1 लोगों के 20 रुपए लेते हैं और फुल पे छोड़ देते हैं। तो गाइस जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो है नेपाल और अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो है इंडिया। और अभी हम लोग पहुंचेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। वहाँ पहुंच के हम लोगों ने किया वेट क्योंकि 6 या 6:30 बजे गेट खुलता है, क्योंकि गेट नहीं खुला था। और ये सवारी सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही है। यहाँ पे बाइक भी चलती है जो कि 10 रुपए लेते हैं। तो हम सब ने 10-10 रुपए दिए और बाइक से पहुंच गए नेपाल। वहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, आ जाता है मंदिर सिद्ध बाबा का। चलो अब आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। ये रहा सुबह सुबह नेपाल का व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम नेपाल से हम लोगों ने 10 रुपए का ये एक समोसा, मेरा तो पेट खराब था इसे मैंने थोड़ा सा खाया। नेपाल बॉर्डर है, इंडिया बॉर्डर है, नेपाल इधर इंडिया। अब इन समोसे का 800 रुपए। मेरे पीछे आप लोगों ने देखा बाइक खड़ी थी, वहाँ से फिर हम लोगों ने बाइक की जो कि 10 रुपए फिर से ली उन लोगों ने और वहाँ पुल के पास छोड़ दिया। तो ये पूरा ब्रिज पार करके हम लोगों को नेपाल जाना पड़ता है सिद्ध बाबा दर्शन करने के लिए। फिलहाल हम लोग आ चुके थे 7:30 बजे दर्शन करके और हम लोग मिनी मेट्रो में बैठ चुके हैं जो कि टनकपुर स्टेशन तक एक सवारी की 20 रुपए लेंगे। तो भाई ये व्यू किस किस को पसंद आ रहा है कमेंट करके जल्दी बताओ। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, हमारी ट्रेन थी त्रिवेणी एक्सप्रेस 8:30 बजे जो कि चलती है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।